दोस्तों, आज मैं आप लोगों की गम भरी जिंदगी में गुलू नहीं, दुख दुख मतलब दुख भरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां लाने की कोशिश करने आया हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए कुछ अंडररेटेड कॉमेडी मूवीज लेके आया हूँ, जिसे देख के आप लोग थोड़े बहुत तो खुश जरूर हो जाओगे। ये सारी मूवी सच में अंडररेटेड है, जिसमें से आप लोगों को काफी मूवीज का तो नाम भी पता नहीं होगा। सो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, मुझे खुश करना है, वो सब्सक्राइब बटन दबा के। नंबर 10 पे फिल्मिस्तान। ये मूवी सच में इतनी ज्यादा अंडररेटेड है, जिसकी वजह से काफी लोगों को तो इस मूवी के बारे में पता भी नहीं होगा। इस मूवी में मेरे को काफी अच्छे एक्टर देखने को मिलते हैं, जिसमें शारिब हाशमी, कुमुद मिश्रा, गोपाल दत्त एंड इनामुल हक। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नितिन कक्कर ने, जिन्होंने इस मूवी के बाद एक बहुत ही ज्यादा अच्छी रोमांटिक मूवी डायरेक्ट की थी, जिसका नाम है नोटबुक। ये मूवी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। नंबर 9 पे ड्राइडे। इस मूवी का नाम सुनकर कुछ नेसेडी समझ गए होंगे ये मूवी किस पे होने वाली है। सॉरी। ये मूवी एक पॉलिटिकल ड्रामा है, जिसमें हमारे को देखने को मिलते हैं अपने जीतू भैया, आई मीन जितेंद्र कुमार, और वही एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड एक्ट्रेस जिनका नाम है श्रिया पिलगांवकर। उन्हीं के साथ साथ हमारे को देखने को मिलते हैं अनु कपूर। इस मूवी को डायरेक्ट किया अपने सौरभ शुक्ला जी ने, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्टर भी हैं। इस मूवी का ज्यादा प्रमोशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये मूवी ज्यादा लोगों के सामने आ नहीं पाई। ये मूवी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम पे। नंबर 8 पे मस्त में रहने का। बोले तो इस मूवी में हमारे देखने को मिलता है बीड़ू जैकी दादा। उन्हीं के साथ साथ हमारे देखने को मिलती है नीना गुप्ता, अभिषेक चौहान, मोनिका पनवाड़ एंड एक बहुत ही ज्यादा बड़ी एक्ट्रेस राखी सावंत। अब इनको लेने का क्या मजबूरी रहा होगा मेकर्स का, ये मेरे समझ से बिल्कुल ही पार है। गजब बेइज्जती है। वही इस मूवी को डायरेक्ट किया विजय मौर्या ने, जो कि बेहतरीन एक्टर भी हैं। वो हमारे को ज्यादातर साइड रोल प्ले करते हुए दिखाई देते हैं। ये मूवी आप लोगों को कॉमेडी के साथ साथ थोड़ा इमोशन भी करेगी, जो कि देखने में काफी अच्छा भी लगेगा। ये मूवी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी फिर से अमेजोन प्राइम पे। नंबर 7 पे फालमी। अगर आप लोग एक अच्छी फैमिली ड्रामा मूवी देखना चाहते हो तो आप लोग इस मूवी को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस मूवी में मलयालम इंडस्ट्री के बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्टर बसिल जोसफ देखने को मिलते हैं। उन्हीं के साथ साथ हमारे को पीवी जगदीश कुमार भी देखने को मिलते हैं। वही इस मूवी को डायरेक्ट किया नीतीश शाहदेव ने, जिनकी ये पहली डायरेक्टेड मूवी थी। ये मूवी आप लोगों को हिंदी डब के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 6 पे लूडो। ये मूवी एक ब्लैक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमारे को बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर देखने को मिलते हैं। इस मूवी में अभिषेक बच्चन, आदित्य राय कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, प्रतिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा जैसे एक्टर देखने को मिलते हैं। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट किया है बॉलीवुड के बहुत ही ज्यादा बेहतरीन डायरेक्टर अनुराग बासु ने। इस मूवी में डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलती है, जो कि एक साथ कनेक्ट होती है, जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे। नंबर 5 पे कर्मा। ये एक रोड कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमारे को लेट इरफान खान, दुलकर सलमान एंड मिथिला पालकर देखने को मिलती है। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट किया है कर्ष खुराना ने, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन डायरेक्टर है, उसी के साथ साथ बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड डायरेक्टर भी हैं। ये मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट कॉमेडी मूवी है, जिसे आप लोगों को जरूर चेकआउट करना चाहिए। ये मूवी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम पे। नंबर 4 पे स्पन्ना सुंदरी। एक कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा मूवी है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। इस मूवी में हमारे को लीड रोल में देखने को मिलती है तमिल एक्ट्रेस ऐश्वर्या राजेश, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं। उन्हीं के साथ साथ हमारे को दीपा शंकर भी देखने को मिलती हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया एसजी चार्लेस ने, जिन्होंने इससे पहले सिर्फ एक मूवी डायरेक्ट की थी, जिसका नाम है लॉकअप। मैंने अभी तक वो मूवी चेकआउट नहीं की, अगर आप लोगों ने कर रखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी थी वो मूवी, मुझे देखना चाहिए या फिर नहीं। सो ये मूवी एक तमिल मूवी है, जो कि आप लोगों को हिंदी डब के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 3 पे फोन बूथ। ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमारे को देखने को मिलते हैं ईशान कट्टर, सिद्धांत चतुर्वेदी एंड कटरीना कैफ। इस मूवी में हमारे जैकी श्रॉफ भी देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छे लगते हैं इस मूवी में। वही इस मूवी को डायरेक्ट किया मिर्जापुर के डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने, जिनसे हमारे को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी इस मूवी को लेके। हालांकि ये मूवी हमारी उम्मीदों पर उतनी ज्यादा खड़ी नहीं उतर पाई, पर फिर भी ये मूवी काफी अच्छी थी। ये मूवी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी अमेजोन प्राइम पे। नंबर 2 पे मर्द को दर्द नहीं होता। ये मूवी एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इस मूवी में हमारे को देखने को मिलते हैं भाग्यश्री जी के पुत्र अभिमन्यु दसानी, जिन्होंने इस मूवी से अपना डेब्यू किया था। उनके साथ हमारे को इस मूवी में देखने को मिलती है राधिका मदान एंड गुलशन देवैया। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट किया है बसंत बाला ने, जो कि काफी अच्छे डायरेक्टर हैं। अगर आप लोगों ने इनकी मूवी मोनिका और डार्लिंग अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो आप लोग इस मूवी को जरूर चेकआउट कीजिएगा, वो मूवी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवी है। मर्द को दर्द नहीं होता ये मूवी भी काफी अच्छी है, जो कि बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है। ये मूवी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे। नंबर 1 पे लूटकेस। ये मूवी एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम ड्रामा मूवी है, जिसमें हमारे को देखने को मिलते हैं कुणाल केमू, रसिका दुग्गल, विजय राज, रणवीर शौर्य एंड गजराज राव। और इस मूवी को डायरेक्ट किया राजेश कृष्णन ने, जबकि ये डेब्यू मूवी थी। ये मूवी हमारे को उस समय देखने को मिली थी, जब लोगों को इस मूवी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। ये मूवी हमारे को पैंडेमिक के दौरान देखने को मिली थी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी मूवी है। तो अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को इस मूवी के लिए भी हाईली रिकमेंड करूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये मूवी आप लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, ये तो थी मेरी लिस्ट। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी मूवी देख रखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों को मूवी कैसी लगी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। कुछ कहना हो, कुछ बताना हो, मैं मिल जाऊंगा सोशल मीडिया पे।
आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।